हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जिसमें कि एक नई बुक्स को शुरू करेंगे जो कि आपके करेंट अफेयर्स से संबंधित है, एडुटेरिया। एडुटेरिया की नए करेंट अफेयर्स की बुक आ गई है जो कि आपके UPPCS, BPSC, आपके UPSI, बिहार SI, CDPO, SSC, NTPC इन सभी एग्जामों के लिए आपका उपयोगी रहेगा। जैसा कि आप अगर पीछे इस बुक की क्वालिटी को देखे होंगे तो अच्छी खासी क्वालिटी है, जिसके कारण हमारे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अक्सर दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे एडुटेरिया की जो बुक नई आई है उसमें अक्टूबर 2021 तक की अपडेट आ चुकी है। वार्षिकांक है जो कि अक्टूबर 2020 से संबंधित है। 2020 से 2021 तक की अक्टूबर महीने तक की सभी राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम जानेंगे। तो आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद भी आएंगे और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि हमारी नए बैच भी शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी आगे चल करके हम लोग लेंगे। आपके नए बैच 18 अक्टूबर से शुरू कर दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं, अब एक करके पहले हम प्रश्नों को जानेंगे, उसके बाद हम नए अपने बैचेज के बारे में आपको बताएंगे। पहले कुछ हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम अक्टूबर महीने से शुरू करेंगे, अक्टूबर 2021 से, और यहाँ से पीछे महीने की ओर चलेंगे अग्रसर होते हुए और अक्टूबर 2020 तक के प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न का। अक्टूबर 2021 में सबसे पहला पॉइंट कहता है कि 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसकी लागत 50,000 करोड़ रुपए है। आगे, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, और यह ध्वज 225 फीट लंबा तथा 150 फीट चौड़ा है। अगला, गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्रा नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। सुदर्शन भारत परिक्रमा कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से NSG की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया, जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया है। यह 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। आपने इससे पहले जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम एक हैली नेशनल पार्क के नाम से भी सुना होगा। तो पहले जब ये 1937 के आसपास में बना था, 36-37 के आसपास में, तब हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क हुआ और अब उसके बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली एक नदी रामगंगा है, जिसी के नाम पर अब रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान। तो केंद्र सरकार ने दीपावली के अवसर पर गोबर आधारित दीपक लैंप तथा लक्ष्मी पूजा मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, जिसका उद्देश्य है कि किशोर लड़कियों एवं महिलाओं में स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुँच सुनिश्चित करना। और अब बात करते हैं आपके आने वाले नए बैचेज की, जिसमें आपको जो है डेली बिहार दरोगा, BPSC, आपके SSC, GD एवं ग्रुप डी से संबंधित हम लोग क्लास कराएंगे और करते हैं क्यूज के रूप में और ग्रुप डिस्कशन के रूप में, जिसमें मात्र आपको बिहार दरोगा वाली बैच के लिए मात्र 149 रुपीज़ की चार्ज रखी गई है, जो कि आपके PT एग्जाम तक की ये वैलिडिटी रहेगी। आपकी PT एग्जाम जब तक नहीं होती है, ये इसमें आप हमारे साथ बने रहेंगे। साथ ही साथ आपके SSC GD और जो ग्रुप डी है उसके लिए मात्र 99 रुपीज़ का चार्ज है, ग्रुप डी और SSC GD के लिए। साथ ही साथ जिनका BPSC का एग्ज़ाम है 67 का, उसके लिए आपको मात्र 499 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम लोगों ने आपको एक सुविधा प्रदान किया है।
तो आप लोग जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। आप इन सभी के लिए जानकारी के लिए आप हमारा नंबर नोट कर लें 7654957719। इस पर आपको सारी डिटेल दी दी जाएगी, जिसमें आपको डेली के 8 से 10 घंटे क्यूज कराए जाएंगे, डेली एक सेट प्रैक्टिस कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपके ग्रुप डिस्कशन कराए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे यहाँ संपर्क कर लेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप को लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया। इसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकता है। एसबीआई बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की है। इससे पहले 2004 में एसबीआई ने केरल में ही फ्लोटिंग एटीएम को खोला था। आईआईटी रोपड़, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरीफायर विकसित किया, जिसे यू ब्रेथ लाइफ नाम दिया गया है। यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति देवांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के 100% आबादी का कोविड-19 के पहले डोज का टीका करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुए पैथरियोनिका को राज्य पशु घोषित किया, साथ ही काली गर्दन वाली क्रेन यानी कि ग्रस निक्रिकोलिस को राज पक्षी घोषित किया गया है। ये जितने भी ब्रैकेट में नाम दिए गए हैं, ये उसके साइंटिफिक नेम है। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इस साइंस सिटी का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है, जिसे समुद्री गाय या सी कॉ के नाम से भी जाना जाता है। यह खास करके मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में पाया जाता है। प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से भारत में पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया है और प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। आईआईटी हैदराबाद में भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक कीट से भवन का निर्माण किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5-star ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया। यह प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग सड़क का निर्माण BRO द्वारा किया गया है, जिसकी ऊंचाई कुल 19,300 फीट है, जो कि लेह को पैंगोंग झील से जोड़ता है और यह उमिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। यहाँ पर बात आई है BRO की, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई है। आगे, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पत्रकार कल्याण कोष स्थापित की है। अमेजन इंडिया ने भारत के किसानों के कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया। अब आगे देखेंगे हम सितंबर महीने की, अक्टूबर की हमारी समाप्त हो चुकी है, अब सितंबर 2021 की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जानते हैं। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे और आपके एग्जाम ओरिएंटेड सभी प्रश्न भी रहे होंगे। तो एक बार वीडियो को आप शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, जो कि अपने काम की वजह से कहीं अन्य शहरों में हैं, जहां पर बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उनके तक आप पहुंचा दें, ताकि वो भी आपके माध्यम से कुछ अच्छा कर पाएं। देखते हैं, कहता है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 सितंबर से राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की है। गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस प्रकार के प्रश्न पे ज्यादा ध्यान रखा करेंगे जिन पे पहला शब्द लगा हो।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए OBC के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है, जो कि पहले यह सिर्फ 14% था। हाल ही में केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में प्रसारित होता है। 7 सितंबर को श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया है, जिसे स्क्रब टाइफस रोग नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी आंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर जो कार्बी है यह असम में पाए जाने वाली जनजातीय समूह है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसेटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। यह अभयारण्य मीठे पानी की झील है तथा असम का एकमात्र रामसर साइट है। वर्तमान में आप याद रखेंगे असम में वर्तमान में 7 नेशनल पार्क भी हो गए हैं। चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया। यह 24 मीटर ऊंचा है, जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करेगा। भेल ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है। यह संयंत्र उच्च राख वाले कोयले से प्रतिदिन 0.25 टन मिथेनॉल का उत्पादन करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर के पास NH925A पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह भवन निर्माण छात्र एवं छात्राओं को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करेगा। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 2011 में सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि है। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे 11 सितंबर को महाकवि दिवस और सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। और आप ये भी ध्यान रखें 17 सितंबर को ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बर्थडे मनाई जाती है। आगे देखते हैं हमारा, उत्तराखंड में रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया। यहाँ पर फर्न की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार IIT मद्रास को ओवरऑल देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है। तेलंगाना ने इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट नाम दिया है। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा और राज्यसभा TV को मिलाकर संसद TV को लॉन्च किया है, जिसके महानिदेशक बनाए गए हैं वो रवि कपूर को बनाया गया है। टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और ऐसी तकनीक अपनाने वाली टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी बन गई है। मुंबई के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता यान सांकता को पवई झील के संरक्षण के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में चुना गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा CBSE के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया। इसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
CISF के अधिकारी गीता समोता अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एल्ब्रुस को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करने वाले कंपनियां अपनी इकाई स्थापित करेगी। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना गो ईगो कंपनी ने की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन कर नया विधेयक पारित किया। इसके तहत राज्य में पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अपराध घोषित कर दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वास्थ्य शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक देश के सभी शहरों को स्वस्थ बनाने का भी लक्ष्य रखी गई है। आगे कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश में एटा में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेष की खोज की है। ये अवशेष बिल्सड साइट से मिले हैं जिस पर संख लिपि के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक पटल पर भारतीय नागरिकता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आगे कहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रिक प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली का उपयोग सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित को भेजा जाएगा। फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इन सभी फुल फॉर्म को भी याद रखा करेंगे, हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू धर्म तीर्थस्थल परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया। यह तीर्थस्थल ब्रह्मपुत्र पठार में लोहित नदी पर होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान किया जाएगा जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड होंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण ताड़ प्रजाति के महत्व तथा पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने हेतु किया गया है। पोटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर के लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस समारोह का उद्घाटन कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित फिल्म शेरशाह से हुआ है जिसमें कि अभिनय के रूप में आपके मल्होत्रा जो हैं उन्होंने निभाया है। आगे, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत की है जिसे एल्डर लाइन नाम दिया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार हेतु इस नंबर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे या एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन शामिल है। अब हम जानेंगे अगस्त 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य को। अगर आप हमारे बैच में अभी भी नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ें। आपको बिहार दरोगा के लिए मात्र 149 की बैच है। ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए आपको मात्र 99 की बैच है और बीपीएससी के लिए मात्र आपके 499 के बैच हैं। ये सभी बैच जो है आपके अनलिमिटेड, जब तक आपकी प्री एग्ज़ाम जो है नहीं हो जाती है तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको डेली 8 से 10 घंटे की क्यूज कराई जाती है, डेली सेट प्रैक्टिस कराए जाते हैं, साथ ही साथ आपको इसके बारे में पूर्ण डिस्कशन कराई जाती है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर आप नोट करेंगे 7654957719, इस पर आपको सारी विस्तृत जानकारियां दे दी जाएगी। और ये बैच आपके 18 अक्टूबर से मंडे से शुरू हो रही है।
आगे प्रश्न है कि भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में 100% COVID-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। आप हमें ये बताइएगा कि 18 वर्ष से ऊपर तक के सभी नागरिकों को देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। भारत का पहला हार्ट फ्लेयर बायोबैंक केरल में स्थापित किया गया। इस बायोबैंक में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा जिसका प्रयोग हृदय के विफलता वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकरण जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई जिसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने किया। यह विभिन्न प्रकार के कचरे को रिसाइकल करेगा। इसे बेस्ट टू है वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया गया है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में प्ले स्कूल की सुविधा देना है। 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 32 खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। यह फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लद्दाख में ट्रांसपोर्ट की समस्या कम होगी। भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारी प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करता है। हाल ही में जारी स्वच्छ ऊर्जा 2021 के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इंदौर को जो कि सबसे स्वच्छ शहरों में भी जाना जाता है। वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों एवं नाली की स्वच्छता के लिए दिया जाता है। 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया। इसके तहत कॉमर्शियल गाड़ियों को 15 साल तथा प्राइवेट गाड़ियों को 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। उद्देश्य है पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करना। भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन को चरण 1 के पूरा होने पर चरण 2 तथा 3 के परीक्षण को अनुमति दे दी गई है। प्रथम चरण के तहत 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। 11 अगस्त 2021 को संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा उद्निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सोनचिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य उत्पादों की वैश्विक पहुँच सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्त बनाना। आगे जानते हैं कि असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पारित किया। इसके तहत गोमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। इस सैटेलाइट फोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनर फर्स्ट की शुरुआत की। इसके लिए नौसेना ने IDFC बैंक के साथ समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है क्योंकि इस दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है जिन्होंने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। इस जीन बैंक में पादप के बीजों की कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा जिससे देश में किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी साथ ही फसलों की विविधता को संरक्षण मिलेगा।
शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक का इलाज तथा महिलाएं 10 लाख तक का इलाज करा सकती है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला ओडिशा भारत का पहला राज्य बन गया है। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। इससे हाईवे पर भेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की फेम वन स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में दुनिया की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अमेरिकी कंपनी एप्पल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसमें अमेरिका 243 कंपनियों के साथ शीर्ष पर है। भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। यह भारत का तेल एवं गैस उद्योग में पहला चैटबॉट है, जिसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्नों के त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हरवल पार्क की स्थापना की गई। यह पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी चमोली में आपका ग्लेशियर भी पिघला था कुछ समय पहले। भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में NTPC लिमिटेड ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना लॉन्च की। यह सिमहाद्रि थर्मल स्टेशन के जलाशय पर फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता कुल 25 मेगावाट है। आज़ादी के अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक के 75 सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को संचालित करने की घोषणा की है। वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है, पहली वाराणसी से नई दिल्ली, दूसरी कटरा से नई दिल्ली। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में दुनिया का पहला पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों तथा 1947 की घटनाओं को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है। ये 4 जिला मोहला, मानपुर, सक्तकी, मनेन्द्रगढ़ तथा सारगढ़ बिलाईगढ़ मौजूद है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रिले मैदान का आयोजन किया, जिसे जजवाई तिरंगा नाम दिया गया। 16 अगस्त 2021 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट पैलेस में किया। यह टावर हर सेकेंड 1,000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, जिससे वायु प्रदूषण में निपटने की मदद मिलेगी। ये सभी याद रखेंगे स्मॉग टावर। स्मॉग टावर से संबंधित आपको एक प्रश्न चंडीगढ़ से भी मिलने के लिए देखा जाएगा। कहा जाता है कि IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसे नियो वोल्ट नाम दिया गया है। इसका निर्माण विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी गति 25 किलोमीटर प्रति आवर है। अमेरिकी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत के बंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की। इससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात में कमी आएगी। हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया। यह 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर भारत श्रृंखला की शुरुआत की। BH3 का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। यानी कि जैसे पहले हर एक राज्य का अपना बिहार का BR, झारखंड का JH, UP का UP रहता है, इस प्रकार से अब भारत का एकमात्र सीरीज रहेगा BH3। आगे कहता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे महाराष्ट्र में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम करने की घोषणा की है।
25 अगस्त 2021 को IBS से इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया। भारतीय चुनाव आयोग ने 25 से 26 अगस्त को स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना, चुनाव तक मतदाता की पहुंच सुनिश्चित करना तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना है। नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य एशिया क्षेत्र में परिवहन में उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने UNDP के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है। इस सूचकांक में सिक्किम जिला प्रथम स्थान पर है। अंतिम स्थान पर नागालैंड के किफाइट जिले को प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं जुलाई 2021 की ओर। जुलाई 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटना को जानेंगे। उससे पहले पुनः आपको बता दूं कि हमारी नई बैच आपके लिए शुरू कर दी गई है। बिहार दरोगा के लिए मात्र 149, ग्रुप डी यानी कि SSC GD और ग्रुप रेलवे ग्रुप डी के लिए मात्र 99 और BPSC के लिए मात्र 499 के चार्ज में आपको ये सभी सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें 8 से 10 घंटे की आपको डेली क्यूज, 1 सेट प्रैक्टिस और अन्य सभी ग्रुप डिस्कशन। इसकी ज़्यादा जानकारी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7654957719 पर। आइए देखते हैं अब आगे जुलाई 2021 से संबंधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के येसबाग में भीमराव अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। निपुण भारत कार्यक्रम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रेड 3 तक के प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्या का ज्ञान प्राप्त करवाना है। राजस्थान के जयपुर में भारत के दूसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए BCCI ने 100 करोड़ का वित्तीय अनुदान जारी किया। यह अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली फास्टैग आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा शुरू की है। इससे प्रवेश तथा भुगतान के समय की बचत हो सकेगी। गुजरात मेरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह समुद्री क्षेत्र तथा शिपिंग से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा। कर्नाटक के बंगलुरु स्थित KSR रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है। यह 12 फीट लंबा है। इसका उद्देश्य कम कीमत पर यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव देना है तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। स्पर्श प्रणाली, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली की शुरुआत की। इसके माध्यम से पेंशन भोगियों को डिजिटल तरीके से सही समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अमेजन कंपनी ने गुजरात के सूरत में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र MSME को ई कॉमर्स के फायदे के बारे में जानकारी देगा। अमेजन ने 2025 तक भारत के 1 करोड़ लघु एवं मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। आगे जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत के रेलवे मानचित्र में मणिपुर को भी शामिल कर लिया गया है। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस का परीक्षण मणिपुर के बैंगाईचुन पाओ रेलवे स्टेशन के लिए किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रागाढ़ करने के लिए साथ देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ की स्थापना करेगी। इस पीठ की स्थापना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए भारत के पहले LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया। इसके तहत स्वदेशी इथेनॉल, जैव CNG, LNG आदि वैकल्पिक ईंधनों को प्रयोग में बढ़ावा दिया जाएगा।
आगे कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है। इसके तहत दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। यूपी ने 2050 तक जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 करने का लक्ष्य रखा है। भारत की बिजली उत्पादक कंपनियां NTPC लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसकी क्षमता 4,750 मेगावाट होगी। NTPC का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया, मतलब अनाज का। यह मशीन बैंक के ATM की तरह है। इसमें लाभार्थी अपना आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे तो खाद्यान्न मशीन से बाहर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र है जो शहर में पर्यटकों को व्यापारियों को आकर्षित करेगा। इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष तथा 76 शिवलिंग के आकार की है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को प्रभावी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की। इसके तहत 2025 तक नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 10% तक लाना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ट्रांसजेंडर को भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन के भिक्षु फल यानी कि मॉन्ग फ्रूट की खेती का परीक्षण किया है। इस फल को CSIR IHBT द्वारा परीक्षण के लिए पेश किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। इसमें देश में तेल व ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से भारतीय विरासत के संरक्षण से संबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगी। केरल के कोल्लम जिले के पेरुकुलम गांव को केरल का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया। पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ के पुस्तकालय में 700 से अधिक पुस्तकें रखी गई जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़कर वापस रख सकता है। तेलंगाना के पालमपेट में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 39वां धरोहर स्थल है। इस मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगवा तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के खासी हिल में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के आसपास के क्षेत्रों में जल की आपूर्ति होगी तथा अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात में स्थित हड़प्पा योगीन नगर धौलाबीड़ा को भारत के 40वें धरोहर के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कोविड-19 की पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन करने वाला लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जबकि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। कहता है कि पूरी उड़ीसा 24 घंटे में नल गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। यह उड़ीसा के ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों के गरिमा गृह स्थापित किए जाएंगे। IIT मद्रास हैदराबाद ने भारत की पहली रैपिड कोविड-19 RNA टेस्ट किट विकसित की जिसे कोवी होम नाम दिया गया है जिसके जरिए घर पर बैठे कोविड-19 की जाँच की जा सकती है।
अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ यॉक ने हिमालयी याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया। गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लेमरू हाथी रिजर्व के क्षेत्रफल को राज्य के वन मंत्रालय ने 1995 किलोमीटर स्क्वायर से 450 किलोमीटर स्क्वायर करने का प्रस्ताव रखा है। कहां पर है तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में लेमरू हाथी रिजर्व। कंचन उगुरसंडी ने भारत के 18 दर्रों को पार कर भारत का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया। वे दिल्ली मनाली लेह उमलिंगला दिल्ली की 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला बाइकर बनी है। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को दिल्ली से हरी झंडी दिखाई दी थी। हाल ही में केरल में पहली बार जीका वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस मच्छरों से फैलता है। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है। उत्तराखंड में भारत वाटिका पार्क का निर्माण किया गया, जहां 28 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश के राज वृक्ष तथा 24 अन्य पेड़ों की प्रजातियों को सुरक्षित किया गया है। गुजरात के कच्छ जिले में कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पंचायत चुनाव में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना है। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गई है। कौन कौन सी तो 6 स्थल है, गंगा घाट जो कि बनारस में, कांचीपुरा मंदिर तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र, हायर बिंकल मेगा लिपिक साइड कर्नाटक, नर्मदा घाट नदी घाटी के भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट मध्य प्रदेश। तो ये थे जुलाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण। अब जो हम जानने वाले हैं वह होगा आपके जून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को। तो वीडियो पसंद आ रही है, एक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि इसके आने वाले सभी जो पार्ट्स होंगे उसमें आपको जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ बैच आपको हमने बताया कि एसआई के लिए मात्र 149 रुपया, बिहार दरोगा के लिए और SSCGD और ग्रुप डी के लिए आपको मात्र 99 रुपये और BPSC के लिए मात्र 499 रुपीज की बैच शुरू कर दी गई है। आप संपर्क कर सकते हैं 7654957719। आइए देखते हैं अब जून 2021 से संबंधित। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रेबीज जो है नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। ओडिशा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जेन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला, पानी के बदले पानी समझौता किया है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। भारतीय एयरटेल एवं टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया। मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1,00,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की। रबड़ अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड GM रबड़ का फॉर्म परीक्षण किया है। GM रबड़ प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। पहला केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किए जाएंगे। आगे कतह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया है।
ग्रीन ट्रैफिक नीति केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। जम्मू कश्मीर का बयान गांव कोविड 19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। यानी कि अब महिलाओं को और भी शक्ति मिल गई है, अब अपनी शक्ति को प्रयोग अच्छे से कर सकती हैं और अपने क्षमता के अनुसार अपने अपने पोस्ट पर और मेडिकल और इंजीनियरिंग पर भी आसानी से प्रवेश पा सकती हैं। आगे कहता है कि हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। देहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इससे पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमीरी और डिब्रू सैखोवा है। इफको ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया। इसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है, जिससे फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा की। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। स्वास्तिक CSIR NCL पुणे में स्वास्तिक नामक नई तकनीक लॉन्च की गई, जो कि प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणुरहित बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की है। यहां केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेगी। IIT रोपड़ ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। बिहार के सुपौर जिला में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। अब हम आगे आएंगे मई 2021 में मई महीने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटना को जानते हैं। आप एक और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचा दें। आइए देखते हैं अब हम मई 2021 को। आ कहता है कि भारतीय सेना में IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसकी क्षमता 56 किलोवाट आवर है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियां एवं शिक्षण संस्थाओं में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया है। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुडुचेरी ने हासिल किया है। गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद 4था राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया। असम पहला राज्य बना है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। मोमा मार्केट जो है कि मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया है। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया। माइक्रोसॉफ्ट समझौता छात्रों को AI आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। इससे भारत में कृषि तथा खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा राजस्थान। हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है।
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन रखा गया। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की। हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो केंद्र और राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन जिले में कराएगी। अब आगे जो मंथ है वह है हमारा अप्रैल 2021, यानी कि अप्रैल 2021 से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। वीडियो पसंद आ रही है एक और आप लाइक कर देंगे, कंटिन्यू आप देख सकते हैं हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है पीडीएफ बनाना, उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना, फिर आपके तक पहुँचाना, ताकि आपको बुक लेने की भी समस्या ना हो और आप आसानी से अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। बस आप एक लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए, इतना ही हमारे लिए काफी है। आगे, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। यहां दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे NTPC द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर स्थित 1.3 किलोमीटर लंबा है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की, जिनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। इटली ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग विकसित करना है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। रायसीना डायलॉग 2021 13 अप्रैल जिससे 16 अप्रैल के बीच में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। और साथ ही साथ कहता है कि यह भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। 2021 का विषय है वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कमागे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। COVID-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन के विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई है। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड विवरण की शुरुआत की। इसके तहत 5000 गांव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर 5 दिन में ही बनाया गया है। यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के केंद्रपारा में धमारा नदी पर 110 करोड़ की रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है। यह जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को
कम करेगा। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रीगैसिफिकेशन यूनिट FSRU की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया है। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया, यानी कि लक्षद्वीप जो है टीबी मुक्त हो चुका है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों कार निकोबार और नैन कोवेरी द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित की गई है। COVID-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम के लिए चलाई गई। आगे कहता है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम माना फॉरेस्ट रखा गया है। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसमें बालकनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे लताएं होगी। यह इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित है। गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम है हार्मेंस 75। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत की गई है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। हाल ही में गुजरात के बिरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का निर्धारित किया है। बिरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन भी कहा जाता है। तो ये थे सभी के सभी प्रश्न जो कि हमने जाना अप्रैल 2021 से। अब इसके आगे के जो हैं आपके मार्च से लेकर के अक्टूबर 2020 तक की, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ताकि हम लोग छोटे छोटे पार्ट में एक घंटे के वीडियो में हम आसानी से उसको देख सके, आपकी बोरिंग भी ना हो और आप आसानी से देख सकें। इसलिए दूसरे पार्ट में आप इसे जानेंगे इसके आगे की। ये हमारा पार्ट वन था राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित। आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आए होंगे, आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड यहाँ से प्रश्न निकलेंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आखिरी में जाते जाते आप सबको पुनः आपके कोर्स के बारे में बता दें। SI 149 बिहार दरोगा के लिए, SSCGD या ग्रुप डी का 99 और BPSC का 499। अगर आप 18 अक्टूबर के बाद कभी भी ज्वाइन करते हैं, आपको सभी कोर्स पर ₹50 की ज़्यादा चार्जेज लगेंगे। और ये सभी जो है 18 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं नए बैच, तो आप ज़रूर जुड़ें। हमारा नंबर है 7654957719। इस पर आप जुड़ करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते आप वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और एक बार जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इसके अगले पार्ट में आप इसे आसानी से देख सकें। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।